भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय का मारपीट करते हुए एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह निगम अधिकारी से मारपीट कर रहे हैं। यहां पर इंदौर के निगम अधिकारी की टीम जर्जर मकानों को तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन आकाश विजयवर्गीय उन पर ही बरस पड़े। सामने आए वीडियो में आकाश विजयवर्गीय एक बैट से निगम अधिकारी पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। जर्जर मकान तोड़ने पहुंची टीम के बीच और विधायक आकाश विजयवर्गीय के बीच बहस हुई, लेकिन बाद में बात इतनी बढ़ती चली गई कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की। आकाश क्रिकेट बैट लेकर अधिकारी पर हमला करने पहुंच गए और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। इतना ही नहीं, समर्थकों ने भी निगम अधिकारियों के साथ मारपीट की। दरअसल इस क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में जो भी जर्जर मकान हैं और काफी पुराने घर हैं, उन्हें सरकार की तरफ से खाली करवाया जा रहा है ताकि किसी तरह की घटना ना हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी आकाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी पहले तो पप्पू थे, लेकिन अब गधों के सरताज बन गए हैं। उस वक्त भी उनकी टिप्पणी पर काफी बवाल हुआ था। आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 विधानसभा सीट से विधायक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उनके टिकट को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। यही कारण रहा कि वह खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनकी जगह बेटे ने अपनी किस्मत आजमाई। Hey!